एक बड़ी कामयाबी मिली है, साल्वर गैंग पकड़े गए हैं। क्या था पूरा मामला और कैसे कामयाबी मिली? जो पुलिस भर्ती बोर्ड की परीक्षा चल रही थी, इसी में कुछ क्योंकि हमारी सभी थानों की पुलिस, हमारी स्वैट सर्वेलेंस टीम इसमें सक्रिय थी, इसी में एक गोपनीय सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग संरक्षण कराने की आड़ में लोगों से संपर्क कर रहे हैं। इस सूचना को जब डेवलप किया गया स्वैट और सर्वेलेंस टीम द्वारा, तो इस पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ है। ये लोग थाना नौनहरा क्षेत्र का एक दूरस्थ और बिल्कुल आबादी से कटा हुआ एक घर इन्होंने किराए पे लिया था मिर्दाजपुर गांव में, और वहां रह के अपना इन्होंने प्रिंटिंग मशीन वगैरह वहां पर और कॉपी फोटो कॉपियर वगैरह लगाए थे, जिसके माध्यम से ये पेपर अगर इन्हें प्राप्त होता तो उसका सॉल्यूशन निकाल के तत्काल इनके द्वारा ऐसे लोग जिनसे धन उगाही की जा रही थी, क्योंकि इनके पास से 6 लाख रुपए नगद भी मिले हैं। इनके द्वारा हर कैंडिडेट को ये दिलासा दी जा रही थी कि उसका सिलेक्शन कराएंगे, और 7-8 लाख रुपए में तय कर रहे थे, 1-1 लाख रुपए पेशगी। कुछ लोगों के द्वारा इन्होंने चेक भी प्राप्त कर लिए थे और 21 लाख के चेक भी इनके पास से प्राप्त हुए हैं। और बहुत से, क्योंकि जिस कैंडिडेट का ये कराते थे उनके प्रपत्र भी, ओरिजिनल जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट हैं उसे भी ये रख लेते थे, तो ये सारी चीज़ें इनके पास से प्राप्त हुई हैं। ये बड़ी संख्या में इनके जो एजेंट हैं वो पूरे पूर्वांचल में सक्रिय थे और लोगों से संपर्क कर रहे थे। लोग भी लालच में आने के कारण इनके उस ट्रैप में आ रहे थे। ना तो इनके पास कोई पेपर था, अभी कुछ नहीं था, केवल ये था कि जिस दिन पेपर होगा उस दिन इनके द्वारा ये करा दिया जाएगा। और इनके द्वारा ये भी लोगों को मैं विश्वास दिलाया गया है, क्योंकि इसकी कोई पुष्टि नहीं है कि पूर्व की जो एग्ज़ाम हुए हैं, अभी निकट भविष्य में सीटेट का हुआ था, उससे पहले कोई SSDC वाला जो एग्ज़ाम है सेंट्रल गवर्नमेंट वाला, उसमें इनके द्वारा ये विश्वास लोगों को दिलाया गया था कि उसमें भी इनके द्वारा भर्ती कराई गई है। क्योंकि जो अभ्यर्थी हैं वो जिन लोगों के अंदर कम कॉन्फिडेंस होता है, जल्दी प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लालच में आ जाते हैं। तो आज इनको गिरफ्तार करके 8 लोगों को भेजा जा रहा है। इसमें जो जब पूछताछ पे जानकारी हुई तो इनका जो मास्टरमाइंड है गोपेश यादव, उसके द्वारा ये बताया गया है कि वो कोस्ट गार्ड में पोरबंदर में सेवारत है, उसका एक और सहयोगी वहीं सेवारत है, एक और इस गैंग में जो पकड़ा गया है उसके द्वारा बताया गया है कि वो आर्मी में है। ये सब इनके द्वारा बताया गया है, इन सब चीज़ों की पुष्टि हो रही है, क्योंकि ये अभी पकड़े गए हैं और क्योंकि इन्हें जेल भेजना ज़रूरी है। बाकी इन सब चीज़ों को तस्दीक करके अगर ये सब सही होगा तो इनके संबंधित विभागों को भी लिखा जाएगा कि इनके विरुद्ध उचित दंडात्मक कार्रवाई की जाए। अब तक कितने अभ्यर्थी सर इनके टच में? इनके टच में इनके एजेंट फैले हुए थे, और अभी जो हम लोगों को इनके पास से धनराशि मिली है करीब 6 लाख रुपए नगद, जो 1-1 लाख रुपए पेश की आई है लोगों की, और इन्हें ये भी नहीं मालूम कि कौन लोग हैं, क्योंकि इनके एजेंट भी है बड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से, क्योंकि इनकी बातों से ये जरूर लग रहा है कि ये पूर्व में भी किसी ना किसी एग्ज़ाम में इस तरह की हिमाकत कर चुके हैं। और करीब 28-29 लोग अभी तक इनके संपर्क में आ गए थे, उसी में से कुछ लोगों ने गोपनीय रूप से पुलिस को सूचना दी, जिसके आधार पर इस पूरे गैंग का भंडाफोड़ हुआ है। और आप लोगों के माध्यम से भी मेरी अपील है कि जो अभ्यर्थी हैं वो इस तरह के गैंगों के चंगुल में ना आए, क्योंकि इनके पास कुछ नहीं होता है, ये 40-50 लोगों को इसी तरह से फंसा लेते हैं। उनमें से कुछ लोगों का अपनी ही प्रतिभा के आधार पर भी हो जाता है और बाकी का ये पैसा खा जाते हैं। बाद में लोग पुलिस कचहरी कोर्ट घूमते रहते हैं कि साहब मुझसे ले लिए, तो अपनी मेहनत के आधार पर परीक्षाओं में सम्मिलित हों
ऐसे जो ठग हैं और इस तरह के जो चीटर्स हैं इनसे दूर रहें, और अगर कोई संपर्क करता है, जैसे यहाँ किसी एक व्यक्ति ने साहस किया, पुलिस को बताया और पूरे गैंग का भंडाफोड़ हुआ, अगर अभी भी कहीं कोई इस तरह की बात है तो लोग तत्काल संबंधित अपने जनपद में जाके पुलिस को बताएं और ऐसे लोगों को के विरुद्ध कार्रवाई करने में सहयोग करें।